वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। हमारी सब्सक्राइबर मिलो बहन से, आज पहली बार आए क्या? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, कैसे हो आप मन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया स्वस्थ मस्त हो। और आज मैं यहाँ सुबह से ही रेडी हो गए हूँ, काबर की आज हम जाने वाला है रायपुर शिव महापुराण कथा में। तो चलो आप मतलब भी ले चलते हो, जैन जैन मन नहीं गए हो तेन तेन मतलब है ना, और जैन मन तो दर्शन कर रहे हो मन तो कर ही डरे हो, और हमन भी नहीं गए हैं। तो आज हमन हाँ के तारीख है, आज 12 तारीख, तो आज जाथन हमन हाँ। तो घर में सब कोई तैयार हो गए, चलो दिखाते हो आप मतलब है ना। इतना खुशी लगा थे फाइनली जाए मौका मिली करके, लेकिन गेट जो है वो बंद हो चुके है, काबर की भीड़ इतना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमन हाँ रात के नजारा दिखाबो आप मतलब, हो सकी तो कथा पंडाल में भी जाबो। तो तेरा पापा भी रेडी हो गए है, सब खुश हो गए एकदम, सबके चेहरा मुस्कान आ गए, मम्मी भी रेडी हो गए, इधर गुड़िया रानी भी रेडी हो, कपड़ा फेंक मत देखो ए ना अपन जीत में अड़े रखे, लहंगा पहन के जाऊंगा तत्का भीड़ में, चपका देवे बाबू चपका देवी। और इधर पति देव रोटी खाते हमन खा डाले है ना, तो खुश हो एकदम खुश। पर में काम भी चलत थे और सब वर्कर मन भी आते थे, बहुत मुश्किल से जाय मिला थे। तो चलो फिर ले चलते हैं, आप मन भी बने रहो ब्लॉग। फाइनली शिव भक्ति के आगे एला भी झुकेल पड़ी से है ना, कैसे नहीं जाओ, भीड़ है भीड़ है तो नहीं। अब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, मोर बात ला मान ले, इतना इच्छा रही से संगवारी हो सही में रायपुर में आके हमन नहीं जा सकत हन करके बहुत ज्यादा उदास हो गए रहे एकदम। भागवत में ना अभी टाइम है 2 दिन के, कैसे सतिया है और लेन वही डेट मरी थी तो जाते हैं तब तब हां दा जानते चल देते हैं सही में, एक दिन भर जाते हैं लेकिन जाते हूं। चलो अब गाड़ी में बैठते हैं, बाबू पहले से बैठ चुके हैं, ड्राइवर साहब मालकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, अली हमारी गाड़ी निकल चुके है शिव महापुराण कथा सुने बार, सामने में पापा बैठे, कार निकल गए ना सवारी निकल गए। चलो फिर रायपुर पहुंच के ही मिलते हैं आप मन से है ना, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो। फाइनली हम पहुंच गए गोड़ियारी, गाड़ी पार्किंग में ले जा था, पार्किंग में भी तो इतना ज्यादा भीड़ है। आगे संगवारी हो ये देखो, ये है कार पार्किंग, अभी खाली है बट शाम हुआ तो पूरा भर जाई है ना, ये देख सकते हो आप। फाइनली विश पूरा हो गए, अब चलो एंट्री करते हैं कथा पंडाल में, पहुँचे अभी 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से हमन ऑटो लेबो अभी पार्किंग से, उसके बाद कथा पंडाल तक पहुँचबो। गेट तो बंद हो गया बोलो तो, लेकिन वहाँ जाए के बाद ही पता चली। तो चलो संगवारी को ब्लॉग में बने रहो, संगवारी हो सब जाके वापस हो रहे, कबर की जगह नहीं है बैठे के, अगर से देख सकते हो कितना भीड़ सारा भीड़ है, पता नहीं एंट्री मिली कि नहीं मिले, इतना ज्यादा क्राउड है। चलो पैदल यात्रा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहुँचा दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ज्यादा दूर नहीं है पास में ही है, चल देखो देखो कितना भीड़ है, और गाड़ी वाले मतलब जान नहीं देते, सिर्फ पैदल वाले मतलब जान देते, काबर की गाड़ी रखे जगह नहीं है खड़े होने के। फाइनली पहुंच गए, अब कृष्ण करके दर्शन करके ही जाबो, तो चलो ब्लॉग में बने रहो। सब्सक्राइबर तेरा अंतिम समय आ गए तो कमला के से रुक जा अंदर अलमारी, अरे वाह ब्रह्मा जी की लेखनी में लिख दिया, तो यमराज को आकर उठाना पड़ता है, बना कर कर भी चल लोगे थोड़ा रहना होगा, फायदा डॉक्टर डॉक्टर ऐसी होती है जिसके देख के काका वापिस जाऊंगा, आज का भीड़ हो सही, अभी कुछ नहीं है अंदर जाओ तब, अभी सिर्फ रोड की भीड़ बाहर की संगवारी हो, यहाँ आए के महत्व तो कुछ अलग ही है, तो बाहर कितना दूर रोड में यहाँ पे टीवी में देखा थे सब जनता मन, कतका पब्लिक जब बाहर में तो पंडाल के अंदर कतका पब्लिक भीड़ लगा कतका है बाहर में बैठ के सुना थे रायपुर में।
इसने कभी देखे न सुरेन छत्तीसगढ़ में, पहली बार होते छत्तीसगढ़ में। यहाँ रायपुर के सरोज पांडे जी से मिलिए। नमस्ते दीदी। दीदी नमस्ते। छत्तीसगढ़ वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, संगवारी हो ये जो फुटेज हरे वो ड्रोन फुटेज हरे, बहुत मुश्किल से ड्रोन सूट लेबर मिली से, काबर कितना पब्लिक के बीच में और पुलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगे रही से, तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में हमन ये ड्रोन सूट ले हन। अंदर तो जा नहीं पैन काबर कि अलाउ नहीं रही से, पहले से ही इतना ज़्यादा भीड़ बढ़े रही से कि अंदर जाना अलाउ नहीं रही से, तो हमन बाहर से ही पूरा पब्लिक ला दिखाए कोशिश करे हन। देख सकत हो कितना बड़े टेंट पंडाल लगे रही से, कितना पब्लिक रही से पंडाल में तो रही से छे, लेकिन बाहर में लाखों आदमी घूमत रही से, लाखों आदमी बैठ के सुनत रही दुकान के सामने में। तो ये देख के बहुत अच्छा लगी से, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा टाइप के माहौल देखे बार मिली से। प्रदीप मिश्रा महाराज जी हा छत्तीसगढ़ में आई से, तो पब्लिक मन के आस्था शिव भगवान में इतना जागृत हुई से, इतना मतलब सब कोई भगवान के प्रति जागरूकता दिखाई से, तो बहुत अच्छा लगी से। महाराज जी की कथा सुने सुने के मन करते, उठ के आए के मन नहीं करत रही से वहाँ से, और लाखों पब्लिक मन है तो पहले से कथा हो चालू हो के पहले से ही वहाँ जाके रहा थे दिन रात, है ना। तो ये जो फुटेज है वो ड्रोन फुटेज है, तो आप मन भी मजा लो और कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी से। हमार तो छत्तीसगढ़ बहुत धन्य हो गए, महाराज जी कथा हुई सतना उतना पब्लिक कैसे, अनुमान लगा थे कि रोज़ के रोज मतलब 7 से 8 लाख पब्लिक वहाँ कथा सुनत रही से करके, तो बहुत मजा इसे एकदम अनएक्सपेक्टेड भीड़ भी रही से बहुत ज़्यादा, और बहुत जन सब्सक्राइबर से भी मिले तो बहुत ही खुशी हुई समझ ला। तो बस संगवारी हो, चलो वीडियो ला कंटिन्यू कर था यहाँ से। हमारी सब्सक्राइबर मिलियो बहन से, आज पहली बार आए क्या अभी? हाँ, यहाँ पहली बार आई हूँ। एंट्री नहीं मिल रहा जी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चलो आपसे मुलाकात होगी कम से कम। देखो हमारे सब्सक्राइबर बहन से मिलो आप मना, बहुत खुशी होते एकदम, बहुत तो सब्सक्राइबर मिला थे, दर्शन तो नहीं होते अंदर के, लेकिन आप मन से मिले मौका मिला थे। संगवारी हो देखो भोलेनाथ जी हाँ ये वाले एरोप्लेन में बैठ के घूमा थे, चारों तरफ पब्लिक ला देखा थे, गैस वाले गुब्बारे हैं। अभी हमन पीछे वाले गली से जावा थन, जुगाड़ देखा थन, थोड़ा बहुत तो झलक दिख जाए महाराज जी के दर्शन हो जाए करके। रायपुर घूम के आज तक तो कभी नहीं घूमे रहे पैदल यात्रा, आज पैदल यात्रा करें रायपुर का। मेन गेट में आ गए, एंट्री तो बंद है। एक नंबर जगह मिले है संगवारी हो देखो, मास्क को बाहर में बैठ के सुना था, कम से कम महाराज जी का आवाज ना सुना था। बड़ी हो मिला हो देविका बहन से, लेकिन देखो हालत कैसे खराब हो गई, पूरा इतना भीड़ हाथी तो कुछ दिखत भी नहीं, सब गेट के बाहर में बैठ बैठ के सुना थे कथा, और हमन भी आज पहली बार आहन। हाँ, तो मिला मम्मी बढ़िया लगी, मिल गए मैं देखे रहो टीजर से, मैं ब्लॉग ला बहुत अच्छा लगा, मम्मी बताया था कि वो ब्लॉग ला सब्सक्राइब कर संगवा रही हूं, यदि किसी के ब्लॉग ला। कथा समापन के बाद भीड़ देख सकते हैं। आधा एक बार फोटो तो गिरा थी दौड़ थी गुप्तदान और शिवर से गुप्तदान 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 दौड़ थी सभी से आगे बढ़ते हैं। नमस्ते संतोष तेरी की गांव की तरफ से 500 करोड़ की जोर से कर रही थी दरगे तीर्थ साहू की तरफ से मंदिर में तो गुप्तदान से जा रहे हैं।
कथा पंडाल के अंदर से कथा बहुत सुने ना, पहली बार कथा पंडाल के बाहर के दर्शन। इतना भीड़ देखे गया कि पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा भीड़ पहली बार। आपको कैसे लगा थे कथा सुने बात? अच्छा लगा थे? घर थोड़े जाबे नहीं जास ना, घर नहीं जास ना, नीचे रहो बेटा रात भर, ठीक है? बीच मैदान में 17-25 जनवरी को बागेश्वर धाम वाले ने ओम प्रकाश मिश्रा पप्पू सौरभ मिश्रा संतोष कथा ईच मेरा रोही तो आना है सवारी हो जनवरी में आऊँ आदमी अमन बाप पुरखा नहीं देखे रहे नक्का आदमी पहली बार और जनवरी में तो बागेश्वर धाम वाले आए की दो मिनट टंगा है और कहा हुई जगह पता नहीं है। जनवरी में फुल रही फुल 17-25 ना जी को कैसे कट डाली है क्या खाई है ड्राइवर में दूर से ही देख अभी प्रवेश करथन, दिखा दो आप मल्ला अंदर के नजारा कैसे है। पब्लिक के भीड़ तो इतना ज्यादा है, यहाँ पे दान कर सकते हो। दीदी पंडाल के लाखों हमारी सब्सक्राइबर है, ये मन हाँ 4-5 दिन से आगे रुके हवे रात भर यही रहते हैं नवरात मेडिकल वगैरह की सुविधा हवे और भंडारा भी है। कैसा लग रहा है बाबू? सब्सक्राइबर बहनी हरे आप यहाँ सेवा दे रहे हो? बाहर में बैठ के सुन रहे थे हम लोग कथा, अंदर आने नहीं चले। कथा पंडाल में पहुँच गए और पहुँच गए बैठे थोड़ा सा पूरा घुमा के दिखाओ आप। संगवारी हो, कल हम गिर रहे शिव महापुराण कथा सुनने के लिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा रही थी तो मैं सोचे हूँ कि दो पार्ट में डाल देखन करके। तो ये है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है अगला वीडियो में ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप मना ये वाले वीडियो ला बहुत ज़्यादा पसंद करूँ, तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसे लगी से। चैनल में नवा हूँ सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा फॉलो नहीं कर फॉलो कर दो, ब्लॉग विद रश्मि मोर आईडी हरे। तो चलो फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।